अरसलान के साथ ओनली ऑन 91.1 FM तड़का। औरों को छोड़ खुद को चुनो अपनी सुनो। आप सुन रहे हो शहर का फेवरेट रेडियो स्टेशन FM तड़का। नाम मेरा अरसलान है, कहते सब प्यार से रेडियो की जान है। अच्छा, हम क्या कह रहे थे कि कल है 14 अप्रैल और 14 अप्रैल को ही संविधान रचयिता बाबा भीमराव अंबेडकर का जन्म दिवस है, जिन्होंने जिंदगी भर समानता के लिए संघर्ष किया। तो आइए उनको श्रद्धांजलि देते हैं और आपको सुनाते हैं शुद्ध द राइजिंग फिल्म से एक गीत, जिसके बोल लिखे हैं सागर ने और संगीत दिया है चांद निसार लोन ने। ऑल योर 91.1 FM तड़का, अपनी सुनो। भैया फ्यूज जुड़ गया था, जोड़ दिया है, उसमें पानी चला गया था। ठीक है, किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बात दूर तक जाए। सौरभ, तू करना क्या चाहता है? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो करूंगा। ऐसा करूंगा कि कोई किसी सौरभ के साथ वो ना कर सके जो मेरे साथ किया। चले भाई। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय मां। चल यार, लेट हो गए। चल चल। क्या टाइम हो गया? 8 बज रहा होगा। चलो भाई, इस साल फाइनल कंप्लीट हो जाएगा। अगले साल पीजी इंटर्न्स के लिए फिर वही लड़ाई। पहले ठीक था यार, 50 लाख से 1 करोड़ तक पीजी में सीट मिल जाती थी, मगर जब से ये नीट आया है ना, ये रास्ता ही खत्म हो गया। अबे छोड़ यार, काहे टेंशन ले रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। यार टेंशन तो मुझे इन कोटे वालों से है, 40-50% तो मुफ्त में खा जाते हैं। देखो कैसे चले आ रहे, जैसे कॉलेज इनके बाप का हो। मैं शक्ल दे के बता सकता हूँ ये कोटे वाले हैं। हेलो, फर्स्ट ईयर? यस सर। नाम क्या है तुम्हारा? सौरभ रावत।
विनोद चौधरी सर। मैंने कहा था ना। सिगरेट पीता है? नो सर। क्यों, क्यों नहीं पीता? कभी नहीं पी सर। अरे तो आज पी लो। नो आई डोंट स्मोक। अरे पी लो। अरे मैंने बोला ना पी लो तो पी लो, समझे? प्लीज मैं नहीं पीता। अरे मैं ले, कह रहा हूं मैं पीता नहीं, मैं नहीं पीनी मुझे। चल विनोद। तेरी तो त्रिवेदी सर। प्रणाम सर। ओ पंकज शुक्ला, माय ऑल टाइम फेवरेट। थैंक यू सर। एनी प्रॉब्लम? नो सर, वी आर जस्ट चिलिंग। गुड, टेक केयर। थैंक यू सर। Yes, can anybody tell me what is drawn on the board? Yes, Saurabh, tell me. Sir, this diagram illustrates the neuromuscular junction. Very good. Can you explain to the class? As the action potential reaches the motor neuron axon toward the synaptical button, there is an increase of permeability of calcium and ions, and these calcium and ions directly diffuses into the nerve fiber, and that creates the release of acetylcholine. Very good. Very good. Thank you, sir. Okay, guys, class is over. Thank you, sir. छोड़ो पंकज भाई, जाने दो, अब मूड सही करो अपना। साला 5 साल हो गए इस कॉलेज में, आज तक किसी ने चूं तक नहीं बोला, और वो साला आंख दिखाकर चला गया। सही कह रहे हो पंकज भाई, सुलगी तो मेरी भी बहुत थी। अगर त्रिवेदी सर ना आते ना तो साले को पटक के मारता मैं वहीं पे। तो चल, दिन का कसर अब भी निकालते हैं। चलो चलो। तुझे उसका हॉस्टल पता है ना? हाँ भाई। ठीक है, मैं तेरा सीनियर हूं। नाम जानता है मेरा? पंकज, पंकज शुक्ला। शुक्ला माने ब्राह्मण, और तू कौन? सौरभ रावत। रावत माने चम। और तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मुझे आंख दिखाए? भाई साले, जब तक इस कॉलेज में हो अपनी औकात में रहो। भाई भाई छोड़ दीजिए भाई इसको, भाई छोड़ो भाई, भाई रहने दीजिए। चलिए चलिए भाई, चलिए छोड़िए। हाँ
मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि मैंने सिगरेट पीने से मना किया। वो हॉस्टल में घुस के मारा मुझे। सर, अगर विनोद के केस में उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती तो दोबारा उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन वही तो बेटा, मेरी मानो तो तुम कंप्लेंट मत करो, क्योंकि तुम्हारी कंप्लेंट से भी कुछ भी होने वाला नहीं, बल्कि नतीजे मैनेजमेंट उस स्टूडेंट से नाराज हो जाता है। हर हफ्ते 10 दिन में कोई ना कोई कंप्लेंट आती है। मैं हर बार सारी कार्रवाई की रिपोर्ट बनाकर मैनेजमेंट को सौंप देता हूं। मैनेजमेंट कुछ भी नहीं करता, सारी रिपोर्ट्स रद्दी की टोकरी में फेंक दी जाती है। वो तो रूल है, इसलिए कॉलेजों में हम जैसे लाइजनिंग ऑफिसर को बिठा दिया जाता है। जी सर। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कंप्लेंट करने का कोई फायदा नहीं, और बता रहे थे विनोद के केस के बारे में। उन्होंने भेजी थी रिपोर्ट मैनेजमेंट को ताकि कार्रवाई हो सके, लेकिन क्या फायदा हुआ, कोई मतलब नहीं निकला। बाहर से सब कुछ कितना अच्छा लगता है, और अंदर से इस हद तक हैरेसमेंट है कि हर बार खून का घूंट पीकर रह जाना पड़ता है। भाई, अब किसी को तो आगे आना पड़ेगा, वरना कब तक बर्दाश्त करेंगे हम लोग? उस दिन मुझे मारा, कल सौरभ को भी। भैया, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अब चुप नहीं रहने वाला, पुलिस में जाऊंगा। अब FIR होगी। मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट हूं सर, फर्स्ट ईयर MBBS। जी, बताएं। कैंपस में ही पंकज शुक्ला है जी। फाइनल ईयर का स्टूडेंट है सर। एक्चुअली मैं शेड्यूल कास्ट हूं सर। शाम को अपने रूम में मैं हॉस्टल में पढ़ रहा था, मेडिकल रिपोर्ट लाए हैं जी सर। ये है दरोगा जी। सर, ये इनकी एप्लीकेशन है, इसकी सत्यता की जांच करके बताइए। सर, मुझे FIR लिखानी है। क्यों, शेड्यूल कास्ट का लाभ लेना चाहते हैं क्या? पहले जांच होगी, फिर कार्रवाई होगी। थैंक यू सर। मॉर्निंग सर।
सर ह्यूमन बॉडी में जैसे 206 बोन्स हैं, बताइए फीवर बैक ठीक है जी, और ये L1 L2 L2 L3 L4 लोअर बैक का सर, या थैंक यू सर, ओके। सौरभ रावत चलिए, आपको त्रिवेदी सर ने बुलाया है। मैं कम इन सर, कम इन, गुड मॉर्निंग सर। आप पुलिस में कंप्लेन लेकर गए थे? जी सर। क्यों, क्या आपको नहीं पता कि कॉलेज में तुम कोटे वाले लोगों के लिए एक लाइजनिंग ऑफिसर भी होता है? जानते हैं सर, लेकिन उनसे कोई भी कंप्लेंट करो कोई सुनवाई नहीं होती, कोई कार्रवाई नहीं होती। और वो पंकज शुक्ला, उसने तो मुझे मारा सर। He abused me on the basis of my caste. इतनी चोटियां आई सर, मारा मुझे। मैं तो उसके लिए तुम पुलिस स्टेशन जाओगे, कॉलेज की बदनामी करोगे। Listen, what do you mean by कोई कार्रवाई नहीं होती? You are directly blaming the college management. Understand? ठीक है सर, मैं निकलता हूँ, आप देख लीजिएगा इस मैटर को। ओके सर, थैंक यू, वेलकम सर। तुम लोग हमेशा अपनी कमजोरी छुपाने के लिए सवर्ण छात्रों और कॉलेज के मैनेजमेंट पर आरोप लगाते हो। अब ये नहीं चलेगा। अगर तुमने कोई भी ऐसी गलती दोबारा की, देन आई विल रिकमेंड फॉर योर रस्टिकेशन। अंडरस्टैंड? सॉरी सर, एक्चुअली आई वाज सेइंग कि मेरी को मिस्टेक। आई डोंट वांट टू सी योर फेस अगेन। सर इट्स माय इट्स माय सॉरी सर। क्या हुआ, क्यों बुलाया था? कुछ नहीं। उनकी नजर में हम लोगों की कोई कीमत ही नहीं है। उन्हें अपने अहंकार के आगे हम लोगों की चोटें नजर नहीं आती। किसी से भी पूछो, वो अपने कॉलेज के दिनों को जिंदगी के सबसे सुनहरे दिन बताता है। कोई हम दलित छात्रों से पूछे, हम कॉलेज में किस तरह एक एक दिन काटते हैं। चलो, भाई साहब अब आप ही बताएं क्या करें। रोज किसी ना किसी के साथ कुछ ना कुछ होता है और हम लोग चुपचाप बैठकर देखते रहते हैं। बाबा साहब जानते थे कि हमें अब भी शिक्षा पाने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। शायद इसीलिए उन्होंने कहा था शिक्षित बनो। संघर्ष करो। ठीक है, मैं कुछ करता हूं, तुम लोग चाय पियो।
मैं सर्वेश कुमार, न्यूज इंडिया, नमस्कार। हेलो भाई साहब, राजशेखर बोल रहे हैं। हाँ राजशेखर जी, बताएं कैसे हैं? ठीक नहीं है भाई साहब। आप जाके डीन से मिल लीजिएगा, मैं फोन कर दूंगा। ठीक है भाई साहब। जय भीम। जय भीम। हाँ चलते हैं, यहाँ की जल्दी से है ना। तुम तो बस सही से बंद करना। हाँ हाँ, नानी जा रही है। हाँ तू भी चल ना। तू चल, मैं आती हूँ। अरे चल। अरे तू चल, मैं आती हूँ। थोड़ा सा बंद कर दिया। चाबी दे। सर्वेश जी का फोन आया था, मैंने उनको भी यही बताया, हमारे कॉलेज में ऐसी कोई बात नहीं है और अभी तक हमारे पास ऐसी कोई कंप्लेंट भी नहीं आई है। आप लोगों के अलावा इस कॉलेज में और दलित छात्र पढ़ते हैं, उनको तो कोई परेशानी नहीं है। सर वो डरते हैं कहीं मैनेजमेंट से शिकायत करने पर उनकी पढ़ाई पर असर न पड़े, इसीलिए सब कुछ चुपचाप बर्दाश्त करते रहते हैं। देखिए साहब, ये बात तो आप भी मानते होंगे कि आरक्षण के खिलाफ सवर्ण छात्रों में आक्रोश है। उनका यह मानना है कि आरक्षण की वजह से उनके काबिल होने के बावजूद भी उनको अपनी असली जगह नहीं मिल पा रही है और ये कोटे वाले लोग उनका अधिकार छीन रहे हैं। तो इस वजह से अगर छोटी मोटी छुटपुट घटना हो जाती है तो इसको इतनी गंभीरता से लेने का क्या मतलब है? छोटी मोटी? सर इसकी जान जा सकती थी, क्या यह गंभीर विषय नहीं है? देखिए, छात्रों के आपसी झगड़े को जातिवाद का नाम मत दीजिए। और जहां तक आरक्षण का सवाल है, इसकी वजह से मेडिकल का स्तर गिरा है, ये मैं भी मानता हूं। देखिए सर, हम यहां आरक्षण के पक्ष या विपक्ष पर चर्चा करने नहीं आए, उस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे। अभी तो आप उन हालातों का कोई समाधान निकालिए जिनकी हमने चर्चा की है। दलित छात्रों का उत्पीड़न, प्लीज उसे रुकिए। एक घटना को मुद्दा मत बनाइए राजशेखर जी, हमारे कॉलेज में दलित छात्रों के उत्पीड़न जैसी कोई बात नहीं है और मैं इन वाहियात बातों को नहीं मानता। तो इसका मतलब मैं यह समझूं कि आप हमारी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे? नहीं, सर्वेश जी का फोन आया है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देखेंगे इनके साथ क्या हुआ था, जांच होगी और उसके बाद कार्रवाई भी होगी। ठीक है सर, नमस्कार। सर प्लीज कुछ कीजिएगा सर, हम लोग बहुत तकलीफ में हैं। देखते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। चाय लो। हाथ पे क्या हुआ? कुछ नहीं, छोटी सी चोट लग गई। कैसे? अरे आज हमारे बाथरूम में ना पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने देखा दूसरा वाला बाथरूम खाली है, तो मैं वहां नहाने चली गई। हॉस्टल नंबर 1 की कुछ लड़कियां वहां आ गई। बहुत गर्मी है यार, लगता है इसमें कोई नहा रहा है। मैं जल्दी जल्दी कपड़े पहनकर बाहर निकली
तो उन्होंने गालियां देना शुरू कर दिया। तू फर्स्ट ईयर की ऋचा बाल्मीकि है ना, हॉस्टल नंबर 2, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? साली और फिर भी उन लोगों ने मुझसे पूरा बाथरूम साफ कराया। मैं रोते हुए कमरे में चली गई। मधु मुझसे कह रही थी कि कंप्लेन कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, जानती हूं कुछ होगा ही नहीं, तुम्हारे केस में भी तो कुछ नहीं हुआ। कमाल है यार, इतना सब कुछ होता है हम लोगों के साथ, डीन है कि मानने को तैयार नहीं है। पता भी कैसे चलेगा, कभी अपने एसी वाले कमरे से बाहर निकले, कैंपस घूमे, स्टूडेंट से बात करे, तब तो उन्हें पता चले कि कॉलेज में चल क्या रहा है। एक्चुअली पता उन्हें सब है, वो खुद ही हमें पसंद नहीं करते। बड़ी अजीब सी बात है, मेडिकल साइंस के लोग हैं यहाँ, डॉक्टर बनने आते हैं, थॉट देखो इनके, दकियानूसी। लेकिन कोई बात नहीं, अब यहां पर आ गए हैं तो डर कर वापिस तो नहीं जाएंगे, चाहे कुछ हो जाए। हाँ हाँ, बस कैंटीन से निकल रहा हूँ, पहुंच रहा हूँ 5 मिनट में भाई। क्या हुआ? मैं बाद में बात करता हूँ। सर क्यों बे, सुना तू FIR लिखाने गया था मेरे खिलाफ? एक बात कान खोल कर सुन ले, तुम लोगों को इस कॉलेज में रहना है तो बाबा जी का सहना है। एक तो कोटे से आकर हमारे हिस्से की सीट घेर लेते हो और उस पर मुझे आंख दिखाते हो। आंख दिखाता है साला, तेरा तो वो इंतजाम करूंगा तू हमेशा याद रखेगा। चलो जय भीम भाई साहब। बैठो। क्या पियेंगे, ठंडा या गरम? कुछ भी नहीं भाई साहब, थोड़ी परेशानी है भाई साहब इन लोगों को लेकर। नमस्ते। नमस्ते। आपने कुछ तो किया होगा। देखो मैंने बात किया था अपने कई दलित अधिकारियों से इस सिलसिले में, लेकिन सभी का यही कहना है कि इस मामले को ज्यादा तुल देने से दूसरे तमाम छात्रों पर इसका असर पड़ सकता है और उनका नुकसान भी हो सकता है। लेकिन भाई साहब, अगर सब लोग यही सोचकर चुप हो जाएंगे तो? नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, हम तो बस ये कह रहे थे धैर्य से काम लेने का समय है, अगर ज्यादा गरम गरम खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। देखिए भाई साहब, गरम और ठंडा खाने पीने की बात नहीं है, आज जरूरत इस बात की है कि हम और आप मिलकर इनकी मदद करें ताकि हमारे समाज में डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की संख्या बढ़ सके। अगर हम और आप इनकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? देखिए भाई साहब, आज आप ऊंचे पदों पर हैं, मजबूत हो, इनके लिए समाज के लिए
आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है, मैं दोबारा कोशिश करता हूं। ठीक है भाई साहब, आपकी प्रॉब्लम हम समझते हैं, कोई बात नहीं, हम कोई दूसरा रास्ता निकाल लेंगे। जय भीम। हमारे समाज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, जिस किसी के पास भी पैसा और पावर आ जाता है वो खुद को दलित नहीं ब्राह्मण समझने लगता है। कुछ करेंगे, चिंता मत करो, चलो बैठो। पता है मैं मासी के यहाँ गई थी कल, क्या हुआ? सवेरे से देख रही हूँ, बहुत टेंशन में हूँ, क्या हुआ? कुछ नहीं भाई, एक आईएस अफसर के पास लेके गए थे मदद करने की बजाय, वो तो पल्ले झाड़ के खड़े हो गए। तुम्हें पता है मेरी मम्मी हमेशा मेरे पापा से लड़ा करती थी कि ऋचा का सरनेम स्कूल में बाल्मीकि मत लिखवाओ, क्योंकि जब लोगों को पता चलता था ना कि शेड्यूल कास्ट है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता था। आज लगता है मम्मी सही कहती है, पर मेरे पापा हमेशा कहते थे कि सरनेम हटाने से कुछ नहीं होगा, उससे हमारी जाति हमारी रिलीजन चेंज नहीं हो जाएगा, कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमारी आने वाली सारी जनरेशंस को हमारी जाति पर प्राउड हो। वो तो ये भी कहते थे, ऋचा तुम देखना जब तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाओगी ना, तो ये सब तुम पे गर्व करेंगे, और केवल तुम पे ही नहीं हम पे भी। सही है, बाबूजी ने ऐसे ही कहा था, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया तो मुझे कह रहे कि वहाँ बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े घरों के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। मैंने कहा, तो बोले वो बात बात पर तुम्हें नीचे जाती होने का एहसास दिलाएंगे, तुम्हें तोड़ने का हर संभव प्रयास करेंगे, लेकिन टूटना मत, हिम्मत रखना। देखना, हिम्मत रखूंगा मैं, ये लोग चाहे कुछ भी बोलते रहे, मैं एक दिन बड़ा डॉक्टर बनूंगा। आई बिलीव एंड आई एम श्योर तुम एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे। आप डीन से मिले? हाँ भाई साहब, डीन से भी मिला और दलित अधिकारियों से भी मिला। लेकिन समझ लीजिए भाई साहब कि किसी ने भी कोई भी मदद करने से इनकार ही कर दिया। अब आप समझे भाई साहब मैं क्यों इन लोगों के लिए इतनी कड़वी बात बोलता हूं।
हमारे ही समाज के नेता और अफसर इन बातों से बचना चाहते हैं। उनको लगता है कि इन पशुओं में फंसकर उनके लिए कोई मुश्किल न खड़ी हो जाए। अब तो भाई साहब हमारे पास बस वही दूसरा रास्ता बचा है। ये लीजिए, पिछले महीने किसानों के लिए धरना प्रदर्शन किया था, अब इन छात्रों के लिए जुलूस और धरना प्रदर्शन करूं। लेकिन भाई साहब इसमें हमको आपकी मदद चाहिए, क्योंकि बिना मीडिया के ये बात उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। क्या कहा जाए, बुरा हाल है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो है, क्या स्कूल क्या कॉलेज क्या ऑफिस, हमारे जर्नलिज्म में भी बुरी तरह घुसा पड़ा है। पता नहीं सब कब खत्म होगा भाई साहब। फिर भी आप अपने समाज के लिए इतना कर रहे हैं, बड़ी बात है ये। मैं आपके साथ हूं पूरी तरह। ठीक है भाई साहब, मैं तैयारी करके आपको बताता हूं। ठीक है, बताइएगा। संभाल के चलते हैं भाई साहब। ठीक है, बारिश हो रही है भाई साहब, आप भी जल्दी निकल लीजिएगा। हाँ हाँ, बस थोड़ी देर में। जय भीम। जय भीम। अच्छा बाबूजी को बोलना कि मैं उनको शाम को फोन करूंगा, रिजल्ट आ जाए एक बार। ठीक है। ठीक माँ। ठीक ठीक, प्रणाम प्रणाम माँ। देख 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 उधर देख, अभी सेकंड ईयर वालों की
religion is for man. Man is not for religion. But in ancient India, man was ruled by religion. Om Bhuvasvah Tat Savitarvarenayam. Religion denied man to enter temples, denied them water to drink. Argo Devasya Dhimahi. Caste system was the order of the day. Brahmin, Kshatriya, Vaishya and Shudra. महापाप शूद्रों के लिए महापाप है। जान पानी मनाई के काम ना सके वो पानी लाए वो A saga of sacrifice, determination and courage. सभा खंडित कर दीजिए। शूद्र द राइजिंग। मैं तो ये सोच कर फूलता जा रहा हूं बहुत जल्द मेरा बेटा कलेक्टर बन जाएगा और मैं उसको सलाम करूंगा। आंखों में सपने मेरी लिखता है यार। मेरा बचपन से सिर्फ एक ही सपना रहा है कि मैं अपने बाबा के सपनों को पूरा करूं। क्षत्रिय बिना जोश और ब्राह्मण को संतोष कभी नहीं होता। बेटा जिंदगी में कामयाब होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। I'm proud of you. हमारे गुरु जी ने कहा है कि हमें पूर्ण शिक्षा तभी प्राप्त होगी जब साक्षात सरस्वती जी हमें देंगी। पिछले 3 सालों से जो पेपर लीक का कांड हो रहा है उसके पीछे अजय सिंह है। मेरा बाप कहता था मौके आते नहीं बनाए जाते हैं। 3-3 लोगों का कत्ल करके भाग गया है तेरा लौंडा। कत्ल करके? मैंने कुछ नहीं किया बाबा, ये सब झूठ है। एक ही पल में सब कुछ खत्म हो गया। अगर यही डेस्टिनी है तो यही से
सौरभ, ऋचा यार मैं फेल हो गया। सौरभ तू फेल हो गया। हाँ यार ऐसे फेल हो नहीं सकता, लेकिन आई एम श्योर कोई गलती कोई गड़बड़ जरूर हुई है यार। लेकिन भाई ये कैसे फेल हो सकता है? इसके नोट्स को लेकर मैं पढ़ता हूँ, मेरी सारे प्रॉब्लम ये सॉल्व करता है। मैं पास और ये फेल, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात बता, तू एक ही सब्जेक्ट में फेल हुआ है ना? फेल तो फेल होता है ना यार। ये फेल हो नहीं गया, कर दिया गया। ये सारा खेल त्रिवेदी जी का है। वो पंकज वाले केस के बाद से इससे बहुत नाराज थे। त्रिवेदी जी, हर साल उनके खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेंट होती है, लेकिन पता नहीं क्या है यार, कोई उनका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाता। यार मैं उनसे जाके बात करूंगा, मैं डीन के पास जाऊंगा, मैं मेडिकल काउंसिल में जाऊंगा और उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सर वो मेरी कॉपी चेक कर दीजिए बस, और आई एम श्योर मैं पास हो जाऊंगा यार। एक काम कर, तू एक बार जाकर उनसे मिल ले, नहीं तो हम सभी तेरे साथ चलेंगे। भाई जाऊं ना मैं? हाँ बिल्कुल ठीक है, जाओ। तुम वही हो ना? तुम फिर आ गए? एक प्रॉब्लम है सर। व्हाट हैपेंड नाउ? सर रिजल्ट गॉट डिक्लेयर्ड टुडे बट आई फेल्ड इन योर सब्जेक्ट। सो सर आई एम श्योर देयर मस्ट बी सम मिस्टेक सर, आई रियली वांट यू टू रीचेक माय कॉपी। व्हाट डू यू वांट टू से? सर इट्स माय हंबल रिक्वेस्ट सर, प्लीज लिसन, कम। यस यस कम कम। यू गाइस आर अनडिजर्विंग and without reservation you can never get admission in this prestigious college. Did you get it? No sir, I'd always been a topper meritorious sir. Oh, so you think you are a genius and now you will teach me how to check the papers? How dare you? Sir it's my humble request sir. Shut your bloody mouth. You are blaming me, Dr. Trivedi? Do you know who I am? तुम जैसे लोगों की वजह से इस कॉलेज की रेपुटेशन खराब होती है। Get out. Sir, it's matter of my career, sir. I said get lost from here. Sir, it's my humble request, sir. Please. Out you go. It's matter of my career, sir. Sir, just give me one chance, please. Go. Sir.
idiots. You guys are undeserving. तुम जैसे लोगों की वजह से इस कॉलेज की रेपुटेशन खराब होती है. It's a matter of my career, sir. Sir, just give me one chance, please. Out you go. ये लोग चाहे कुछ भी कर लें. डॉक्टर बनने आया हूँ, डॉक्टर बन के जाऊंगा. एक दिन बड़ा डॉक्टर बनूंगा. आई बिलीव एंड आई एम श्योर तुम एक दिन बहुत बड़े डॉक्टर बनोगे. हाँ माँ, बिल्कुल टॉप करूंगा. आज तक हमेशा की अब भी करूंगा. सौरभ. हाँ राजशेखर भाई. मुझे अमरजीत ने बताया कि प्रोफेसर त्रिवेदी ने तुम्हें फेल कर दिया. जी भाई. कोई इतनी मनमानी कैसे कर सकता है. तुम बिल्कुल चिंता मत करना सौरभ. आप एक बार कुछ भी करके कॉपी रीचेक करा दीजिए प्लीज. हाँ हाँ सौरभ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा. मैं बस पास हो जाऊं. बिल्कुल पास हो जाओगे सौरभ तुम. ठीक है भाई. तुम एक काम करो, तुम कल शाम मेरे पास आओ. जी भाई, आ जाऊंगा मैं. और सुनो सौरभ. जी. अपना ध्यान रखना. ठीक है. देखो तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम लोग कल ही सांसद जी के पास चलते हैं. मुझे सांसद जी पे पूरा भरोसा है. जब पॉलिटिकल दबाव पड़ेगा तो कॉपियां जरूर रीचेक होंगी. क्यों अमरजीत? पर देखो, मुझे पूरा विश्वास है तुम जरूर पास हो जाओगे. थैंक यू भाई. पता है आप भी सोचते होंगे क्या रोज रोज मुंह उठाकर यहाँ पर आ जाते हैं, लेकिन क्या करें, एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो खत्म ही नहीं हो रही ना. अरे कुछ नहीं, देखो परेशानी में ही आदमी अपनों के पास आता है. हिम्मत रखो, और तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे हो. सब ठीक हो जाएगा. हाँ
जी भाई, चलते हैं कल। ठीक है सर। जय भीम सांसद जी। आओ आओ राजशेखर, बताओ क्या बात है? भाई साहब, यही है वो सौरभ जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसको इसके प्रोफेसर त्रिवेदी ने सिर्फ इसलिए फेल कर दिया क्योंकि इसने एक समर्ण छात्र के खिलाफ थाने में कंप्लेंट किया था। भाई साहब आपसे बस इतनी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहेंगे तो इसकी कॉपी दोबारा रीचेक हो जाएगी। देखो राजशेखर, तुमसे क्या छुपा है? तुम तो सब जानते हो, जब अपनी सरकार ना हो तो कोई सलाह नहीं सुनता। लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे। भाई साहब प्लीज। देखो बेटा, तुम चिंता मत करो। हम कोशिश करेंगे, वो जरूर करेंगे, और क्यों नहीं करेंगे। अगर नहीं करेंगे तो अपनी सरकार आने दो, चुन चुन के बदला लिया जाएगा, ठीक है ना? नहीं सर, आपकी सरकार आने तक का वक्त नहीं है मेरे पास, और ना ही मुझे किसी से बदला लेना है। मैं बस मेरे दिए गए एग्जाम की कॉपी रीचेक कराना चाहता हूँ बस, और मुझे विश्वास है कि सर मैं पास हो जाऊंगा। और आपके लिए बहुत बहुत छोटा सा काम है सर, आप इसे बहुत आसानी से करा सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते ना सर, तो क्या फायदा आपका विधायक सांसद होने का? हमारे काम आएंगे ये कह के ही तो आप हमसे वोट मांगते हैं। गांव में वहां मेरे माँ बाप रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं सर, और मैं जानता हूं कि मैं पास हूं। धक्के खा खा कर थक चुका हूं मैं सब जगह, कोई सुनता नहीं है। प्लीज कुछ कर दीजिए सर आप। भाई साहब प्लीज प्लीज कुछ कीजिए। चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूं, कुछ करता हूं मैं। कुछ होगा सौरभ, तुम परेशान मत हो। कितना कॉल किया तुम्हें, तुम्हारा फोन ही नहीं उठा। मैं जानती थी तुम यहीं मिलोगे, इन्हीं सीढ़ियों पर। जानती हो ऋचा, ये सीढ़ी मुझे क्यों पसंद है? क्योंकि मैंने सोचा कि मैं इनकी तरह एक एक करके ऊपर चढ़ूंगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मुझे भीत से ही ढकेल दिया जाएगा। बहू जी सरकारी स्कूल में टीचर हैं, दिन में बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद दूर दूर जाकर ट्यूशन पढ़ाते हैं, तब जाकर मेरी कॉलेज की फीस और खर्चे पूरे हो पाते हैं। बहन की शादी 4 साल के लिए टाल दी, ये कह के कि एक बार डॉक्टर बन जाऊंगा ना,
फिर अच्छे से शादी करेंगे। अब उन्हें पता चलेगा कि मैं फेल हो गया, फेल हो गया मैं, फेल। अरे खैर जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं ना। सुनो तुम भी हॉस्टल जाओ, दरवाजा बंद हो जाएगा, जाओ। अपना ध्यान रखना प्लीज सौरभ। तुम अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ मैं तो डॉक्टर नहीं बन पाया, लेकिन तुम डॉक्टर जरूर बनना, डॉक्टर ऋचा। मंजर मंजर बंजर है, पतझड़ पसरा के लाख दवाई मुट्ठी फिर भी फिसली हाथ से रे। सुनी क्यों मंजिल गुमशुदा, यूं बिखरे दर बदर क्यों सपने टूट कर है थमता क्यों नहीं दर्द का कारवां। ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। सुना है यहां बस चलती तेरी, मुझको बता दे क्यों बोझ सी है ये धड़कने, हर मोड़ पर है क्यों अड़चने, क्यों आंखें नम है, क्यों इतना गम है, क्यों कोशिशें यूं पड़ जाती कम है, क्यों दी है ये सजा, क्यों तड़पूं बेवजह। दुनिया के बीच हूं दुनिया से मैं जुदा, है तू जो ऐ खुदा मुझे इतना दे बता। फरियादे अनसुनी क्यों मंजिल गुमशुदा, ऐ खुदा ऐ खुदा ऐ खुदा। वैसे भी अगले 6 महीने में तुझे दोबारा मौका मिलेगा ना सप्लीमेंट्री एग्जाम में, हम सबको यकीन है कि तू पास हो जाएगा। सौरभ भाई सही तो बोल रहे हैं, और फिर तुम्ही ने तो मुझसे कहा था कि बाबूजी बोलते हैं कि ये सब तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, और तुमने बोला था कि तुम नहीं टूटोगे।
सप्लीमेंट्री एग्जाम में भी त्रिवेदी जी मुझे पास होने देंगे इस बात की कोई गारंटी है? बात सिर्फ मेरी नहीं है, मुझ जैसे कितने सौरभ हैं जिनके साथ सिर्फ उनकी जाति के आधार पर भेदभाव होता है। वो आज झेल रहे हैं, हर रोज झेल रहे हैं, मेरे साथ, तुम्हारे साथ, हम सबके साथ हो रहा है ना। ठीक है, सब लोग झेल रहे हैं, चुप हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। भाई आपने कितनी कोशिश की, हमारी प्रॉब्लम को लेकर कहां कहां नहीं गए, किसी ने मदद की? आखिर कब तक चलता रहेगा ये सब? किसी को तो आगे आना पड़ेगा, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा कि बात दूर तक जाए। सौरभ तू करना क्या चाहता है? पता नहीं भाई, लेकिन कुछ तो करूंगा। ऐसा करूंगा कि फिर कोई त्रिवेदी सर, कोई पंकज शुक्ला किसी सौरभ के साथ वो ना कर सके जो मेरे साथ किया। नाम मेरा अरसलान है, कहते सब प्यार से रेडियो की जान है। मार्च की इस गुलाबी ठंड में चाय की चुस्कियों के साथ आइए बात करते हैं उन वीरों की जो बरसों पहले आज ही के दिन देश के लिए कुर्बान हो गए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ शहीद भगत सिंह की, जिन्हें आज ही के दिन यानी कि 23 मार्च को सिर्फ 23 साल की उम्र में फांसी दे दी गई थी। अगर आपको याद हो तो 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली असेंबली में भगत सिंह और कुटकेश्वर दत्त ने बम फेंका था और खुद ही गोरों के हाथों गिरफ्तार हो गए थे। वो जानते थे कि पकड़े जाने पर उन्हें सिर्फ सजाए मौत ही मिलेगी, फिर भी उन्होंने वहाँ से भागने की कोशिश नहीं की। उन्होंने असेंबली में बम इसलिए नहीं फोड़ा था कि उससे किसी को चोट पहुंचे, बल्कि इसलिए फेंका था ताकि अंग्रेजों के अत्याचारों को देखने और सुनने के बावजूद चुप बैठे देशवासियों की आंखें खुल सके, उस धमाके की गूंज देश के युवाओं में आजादी का वही जज्बा पैदा कर सके जो उनके खून में दौड़ रहा था। और इसीलिए वो ये कहते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका, कल उसका आगाज आएगा, मेरे लहू का हर कतरा इनकलाब लाएगा, मैं रहूं या ना रहूं पर ये वादा है तुमसे मेरा कि मेरे बाद वतन पे मरने वालों का सैलाब आएगा। और वही हुआ, उनको मिली फांसी की सजा ने देशवासियों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़का दी जिसकी आग से अंग्रेजों की सत्ता सुलगने लगी थी। और तब हजारों लोगों की कुर्बानियों ने हमारे देश को गुलामी की जंजीरों से आजाद कराया। बाबा मुझे माफ करना, लेकिन आज फिर सब कुछ देख सुनकर भी चुपचाप बैठने वाले इस समाज को जगाने के लिए एक बार फिर एक बड़े धमाके की जरूरत है। मुझे शक्ति दो बाबा, शक्ति दो।
अंजाम जिसका कल आगाज आएगा, मेरे लहू का हर एक कतरा इंकलाब लाएगा। यह कहा था शहीद आजम भगत सिंह ने। उन्होंने असेंबली में बम इसलिए फोड़ा था ताकि अंग्रेजी हुकूमत और देश की वो अंधी भैरी जनता जो अंग्रेजों के अत्याचार को लगातार बर्दाश्त कर रही थी, उस बम के धमाके से उनकी आंखें खुल सकें। हमारे लोग आज भी चुपचाप आंखें बंद करे सो रहे हैं, उन्हें जगाने की जरूरत है, फिर एक धमाके की जरूरत है, कुर्बानी की जरूरत है। आज मैं अपनी जान अपने लिए नहीं दे रहा हूं, उन सभी दलित स्टूडेंट्स के लिए दे रहा हूं जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ छोटी जाति होने की वजह से उनके सपनों को तोड़ दिया जाता है। उन्हें हर पल यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम छोटी जात के हो, हमारी बराबरी नहीं कर सकते। मेरे मौत की चिंगारी सिर्फ एक त्रिवेदी और पंकज शुक्ला के लिए नहीं, बल्कि उन तमाम लोगों के लिए एक सबक साबित होगी। अगली बार किसी दलित स्टूडेंट पर उंगली उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे, और शायद मेरी मौत से उन लोगों की भी आंखें खुल जाएं जो अपने ही लोगों की मदद करने से कतराने लगे हैं। अंत में मैं उन सवर्ण छात्रों से यह कहना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि कोटे के रूप में हम उनका हक छीन रहे हैं, नहीं, हम हक नहीं छीन रहे हैं, हम तो हमारा अधिकार मांग रहे हैं। बरसों से हमारे पूर्वजों ने बहुत कुछ सहा है, उस वजह से आज हम लाइन में बहुत पीछे खड़े हैं। एक बार हाथ पकड़कर हमें अपने साथ तो आने दो, जिस दिन हम मिल जाएंगे विश्व गुरु कहलाएंगे। मैं जानता हूं कि मैं जो कर रहा हूं वो गलत कर रहा हूं, लेकिन वो इसलिए कर रहा हूं ताकि फिर कभी किसी के साथ ऐसा ना हो कि उसे ऐसा कदम उठाना पड़े। अम्मा, बाबूजी, जीजी, मैं डॉक्टर नहीं बन पाया, मुझे माफ कर देना। यह था वो आखिरी वीडियो जो सौरभ रावत ने अपनी मौत से पहले बनाया था और उसे सारे मीडिया हाउसेस को मेल कर दिया था ताकि कॉलेज प्रशासन उसकी आवाज को दबा ना सके। कॉलेजों में हो रही दलित छात्रों की आत्महत्या का यह मामला कोई नया नहीं है। इससे पहले भी हैदराबाद यूनिवर्सिटी के रोहित वेमुला, मुंबई की मेडिकल छात्रा पायल तड़वी और न जाने कितने और दलित स्टूडेंट्स ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जाति की वजह से उनके साथ बुरा व्यवहार किया गया। लेकिन सौरभ रावत की मौत ने पूरे देश के दलित छात्रों में आक्रोश भर दिया। सौरभ
देखिए, आप लोगों की डिमांड पर कॉलेज ने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाने का फैसला किया है जो पूरे मामले की जांच करेगी, और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सौरभ रावत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या की गई है। हमारी सिर्फ इतनी सी मांग है, उसकी कॉपी की दोबारा जांच हो, और अगर वो पास हो जाए तो दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। खबर में हूं आपके साथ शिवानी पांडे। देश में पिछले 10 दिनों से मचे दलित छात्रों के बवाल से कॉलेजों में सन्नाटा छा गया है। कॉलेज के आसपास के कई क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस मुद्दे पर SC/ST कमीशन ने संज्ञान लेते हुए सौरभ रावत के मामले में एक जांच कमेटी बिठा दी है जो कि निष्पक्षता से इस पूरे मामले की जांच करेगी और 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी। कई दिनों से चल रहे सौरभ रावत के मामले में आज कमेटी का फैसला आने वाला है। देश भर में कई दलित छात्र एसोसिएशन कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और जगह जगह बैठकर फैसला आने का इंतजार कर रहे हैं। देखिए, आज कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है जिसके अनुसार लेट सौरभ रावत फेल नहीं था बल्कि वो अच्छे नंबरों से पास हुआ था। तो अब जबकि कमेटी की रिपोर्ट में सौरभ रावत पास था, उसे जानबूझकर सिर्फ इसलिए फेल कर दिया गया क्योंकि वो छोटी जाति का था, तो अब उसका कातिल कौन? इस मामले में दोषी प्रोफेसर डॉक्टर अरुण त्रिवेदी को कॉलेज प्रशासन ने निलंबित कर दिया है और इसी के साथ साथ सौरभ रावत को आत्महत्या के लिए उकसाने और उसको जानबूझकर फेल करने के लिए प्रोफेसर अरुण त्रिवेदी को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों, हम जीत गए। जय भीम! जय भीम! जय भीम! जय भीम! जय भीम! जय भीम! जय भीम!
भैया भैया रात के 3 बज रहे हैं, रात काफी हो गई है, अब घर निकल जाइए भैया, कल सुबह मीटिंग में भी जाना है आपको। ठीक है जी भैया, आइए भैया।